दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। किसान का रुख सीधे दिल्ली की तरफ है और तमाम तरह के अड़चने किसानों के लिए लगाया जा रहा है। कहीं गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कहीं कील लगाए जा रहे हैं, कहीं पत्थर लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की। लेकिन सीधे तौर पे बनारस के लोग हैं और इनसे हम जानेंगे कि किसान को जो दर्द है, वो तकलीफ है, क्यों बढ़ता जा रहा है। ये बताइए कि किसान क्यों दिल्ली आ रहे हैं भाई। उनकी कोई ज़रूरत की पूर्ति के लिए जो है, उनको लगता होगा कि हाँ हमको यहाँ दिक्कत है, तभी तो किसान जो है सरकार के विरोध में आ रहे हैं। सरकार तो बहुत कुछ दे रही है, लेकिन जब दे रही है हो सकता है कि वो पूरा उनको न पड़े, इसलिए वो आ रहे हैं दिल्ली। और जो अगर दिल्ली आ रहे हैं तो अपना विरोध प्रदर्शन अगर वो करना चाहते हैं तो वो करें। उनके लिए कील काटें और जो है दुनिया भर का जो है पुलिस प्रोटेक्शन, ये तो नहीं होना चाहिए। आखिर में तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं ना, हम किससे कहेंगे। अगर हमें कोई दर्द है तो हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं ना, हमें पूरा बोलने का, कहने का और सरकार को सुनने का पूरा अधिकार है। सरकार सुने, यानी सरकार को डर है कहीं से कि हम गलत कर रही है, तभी तो सरकार उनका नहीं सुन रही है। क्यों उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है? आप क्या मानते हैं जिस तरीके से इन किसानों को रोका जा रहा है? देखिए, ये रोकना गलत है। सरकार का, सरकार जो उसके समर्थन मूल्य है, जिसको फसल की लागत मूल्य बोलते हैं, उनको मिलता नहीं है। वो उसके बिचौलिए जो पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं। और क्या होता है कि किसान की लागत का उसका मिलता नहीं है। वो अगर कोई 100 रुपये में लागत लगा रहा है, वो मार्केट में जाके 300 रुपये हो जाता है, तो उस 300 रुपये में उसका कोई अंश मिलता नहीं। वो जितने के बेच दिया बेच दिया। और अपना अपने बात कहने के लिए तो लोग आएंगे ही, सरकार को अपना प्रतिनिधि भेज करके उसको उसका समाधान करना चाहिए। जब समाधान हो गया था, जब पिछले साल देखा जाए कि करीब 12-13 महीने थे किसान थे, फिर अब कांग्रेस जिस तरीके से किसान अब रुख कर चुके हैं, और चुनाव से पहले क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, कुछ उसमें राजनीति भी होता है, कुछ किसान बहकावे भी आ जाते हैं उसमें, कुछ ज़रूरतें भी रहती हैं, सब मिला करके वो धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? आप क्या मानते हैं भाई? हम यही मानते हैं कि ये राजनीतिक खेल है और इसमें किसानों के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं के चढ़ावे पे दोबारा धरना प्रदर्शन का अच्छा, काम एक चीज बताइए, अगर कोई आपको तकलीफ है, दर्द है, बुखार है, तो इसमें कांग्रेस का रोल कहाँ से भी है? दर्द बुखार तकलीफ है, ठीक है, लेकिन तो किसानों के नेता अगर, है। अगर मान लिया अगर बुखार होता है तो इसका मतलब कांग्रेस ने आपको बुखार दे दी है? ये नेता जो कांग्रेस के, अरे जो किसानों के लीडर है, उनको डायरेक्ट बात सरकार से बात करें, जिसमें धरना बात करने के तैयार हो तब ना। नहीं, अभी अभी तो जो 5 घंटे का धरना हुआ था उस दिन नोएडा में, उसमें तो यही बात हुई थी कि चलिए आप लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, फिर दोबारा। अरे ऐसे एक चीज बताइए, आप लोग लगभग सभी लोग, तीनों लोग आप लोग बनारस से ही होंगे। एक चीज आप लोग से एक सवाल है, तो हम तो दिल्ली बहुत दूर चले गए हैं, यहाँ से 1000 किलोमीटर, हम बनारस के बात बताइए कि यहाँ के किसानों का क्या हाल है? यहाँ के किसान तो यहाँ पे सही है, समझ रहे हैं ना। बनारस में किसानों को कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा जो मुआवजा वावजा मिल गया सब मस्त हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो दिल्ली के जोत जमीनें यहाँ पे कम होती जा रही हैं, किसान कहने को किसान है, खेत अब बहुत कम हो गए, किसी को 4 बीघा, किसी को 2 बीघा, बस इतना रह गया है। सारा जोत जमीनें अब खत्म हो चुकी है, सब कुछ रास्ते में बदल चुका है, मार्केट में बदल चुका है, विस्तार हो गया शहर का, तो किसान यहाँ पे कम है। क्या मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सरकार किसानों के लिए सब कुछ कर रही है और ये सरकार को भी मालूम है कि हम इतना ये सब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर किसानों को लगता है कि हमें कहीं कोई दुख दर्द है तो उनसे मिलकर बैठकर बात करें। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं ये केवल कांग्रेस को बीच में ला के अपना पल्ला झाड़ने की जो ये इनकी जो कोशिश हमेशा रहती है, किसी भी चीज़ में कांग्रेस को डाल देते हैं और सारा दोष जो है कांग्रेस को डाल देते हैं। तो सरकार तो हम चला रहे हैं ना, सरकार तो बीजेपी चला रही है ना, सरकार तो मोदी सरकार चला रही है ना, तो सरकार मोदी सरकार से सवाल, किसान जो है मोदी सरकार से सवाल करेगी कि कांग्रेस से करेगी, राहुल गांधी से करेगी? राहुल गांधी से क्या मतलब है? सही बात है। और अगर वो राहुल गांधी अगर बहकावे में डाल भी देते हैं तो क्या चीज डाल देते हैं? वो क्यों असंतुष्ट करते हैं? यानी कि जो उनकी जरूरत है, वाकई में जो किसानों की जरूरत है, उन्हें लगता है कि हमें जरूरत है, अगर कांग्रेस अगर उनको बहकावे में लाती भी है तो बहकावे में आते क्यों है? उस बहकावे को जिम्मेदारी ये है कि जो सरकार है, 40 किलो हो गया। क्या चीज? यूरिया उसी दाम में 50 किलो की जो बोरी आती थी, अब 40 किलो कर दिया गया है। दाम वही, माल 10 किलो कम है। तो ये सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है
किसान नहीं तो सरकार तो समझे वही बात तो समझाने के लिए तो दिल्ली आ रहे हैं। वही तो समझाने के आपको रोक क्यों रहे हैं भाई, अपनी बात कहिए ना, उसको रोक क्यों रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता। जनतंत्र है, उसको आना है, उसके बाद कहिए, अपना लगा करके जनप्रतिनिधि भेजिए, निराकरण करें उनकी मांगों को। हमारे कहने का मतलब कि अगर उनको कोई दुख दर्द है, अगर वो दिल्ली आ रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, सरकार अगर बात को नहीं मान रही है तो क्या है लोकतंत्र में, हम धरना प्रदर्शन तो ये मेरा अधिकार है, कैसे सुनेगी? अगर एक माँ जो है बच्चा को अगर दूध नहीं पिला रही है तो रोएगा, जब रोएगा तो उसको दूध पिलाओ। ठीक है, अगर उनको देखिए किस तरीके से लोकतंत्र की ये लोग बातें कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बातें कैसे मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से कांटे बिछा दिया गया किसानों को लेकर और तमाम तरह के अड़चन दिए जा रहे हैं, फिर भी किसान दिल्ली के तरफ रुख कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसान आंदोलन कितना सफल होगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।